अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समथिंग अबाउट गार्डनिंग। ये मेरा रोज़ का प्लांट है जो कि कुछ टाइम पहले मैंने आपके सामने इसकी प्रूनिंग की थी, और आप माशाल्लाह से इस पे बहुत प्यारे से लीव्स आ रहे हैं और बहुत हेल्दी लग रहे हैं। तो अब इसमें एंटी हार्मोन डालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि रोज़ का प्लांट बहुत हसास होता है और इसको बीमारियाँ बहुत जल्दी लगती हैं, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मांगता है। तो अब हम इसमें एंटी फंगल डालेंगे, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई किए बगैर हम इसमें कोई भी एंटी फंगल कुछ भी नहीं डालेंगे, उसका फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन गुड़ाई भी आपने बहुत आराम से करनी है कि इसकी जड़ें ना हिलें, ठीक है जी। तो अभी हम एक जग में एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, ठीक है। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमने गुड़ाई पहले ही कर ली है तो अपने प्लांट में हम ये डालेंगे, ठीक है। मेरे पास तो मिनिमम 10 प्लांट हैं गुलाब के, तो मैं इन सब में ये डालूंगी। आपके पास अगर एक या दो प्लांट हो तो आप फिर उस हिसाब से 1 कप 1.5 कप ही बनाएं ये हल्दी वाला पानी, ठीक है, और वो अपने प्लांट को दें, और इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और कोई भी बीमारी नहीं लगेगी जी। मैं तो अपने प्लांट की वीकली अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन आप अपने प्लांट की केयर के लिए क्या करते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपने कुछ पूछना हो या कुछ शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।